दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि 10th और 12th क्लास की जो परीक्षाएं हैं, मतलब एग्ज़ाम्स हैं, वो शुरू होने वाले हैं, है ना। और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो बोर्ड भी अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर रहा है कि किस किस तरीके से चीटिंग रोकी जाए, किस किस तरीके से सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे निपटारा किया जाए। तो उसके लिए एक चीज़ जो कि अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया ही था कि कैमराज वगैरह लगाने के लिए बोला जा रहा है ना, कि कैमरे वगैरह लगेंगे, जहाँ चेकिंग होगी वहाँ भी लगेंगे, जहाँ आप लोग बैठोगे वहाँ भी लगेंगे। तो वो देखते हैं सब सेंटर में ये चीज़ें फॉलो हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। आप लोग मुझे जब पेपर देने जाओगे फर्स्ट पेपर के बाद मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग कि जो सचिव जी हैं उन्होंने बोला है कि 27 फरवरी से शुरू होने वाली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सहित डीएलएड परीक्षा को नकल रहित बनाने में सहयोग देना है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने बोला है, बोर्ड अध्यक्ष ने बताया है कि इस बार शिक्षा बोर्ड ने आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए हर प्रश्न पत्र पर एक विशेष QR कोड लगाया है, जो कि पहले भी थोड़ी टाइम बाद भी पता लग चुका था, है ना। प्रश्न पत्र जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर QR कोड होगा, ठीक है। साथ ही एक यूनिक कोड भी अंकित किया होगा, इससे यदि कोई परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक, कर्मचारी कोई भी उस पेपर की फ़ोटो खींचता है तो तुरंत पता लग जाएगा कि प्रश्न पत्र कहाँ से आउट हुआ है और किस परीक्षा का है। इससे परीक्षाओं के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार के सचिव मतलब कि किसी भी तरह की नकल वो नहीं हो पाएगी, ओके। और जो है क्या बोल रहे हैं कि बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि स्कूल भवन के वहीं कमरे जो केंद्र है वहाँ पर केंद्र जो बनाए गए हैं उनमें CCTV कैमरे लगे होंगे। स्कूल मुखिया ही सुनिश्चित करेंगे कि, जो कि एज यूजुअल होता है कि कैमरे तो लगे हुए होते हैं लेकिन चल नहीं रहे होते हैं, तो वो चीज़ सुनिश्चित करी जाएगी कि वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ऐसे डब्बे की तरह रखे हुए हैं तो इसलिए, ओके। और डायरेक्ट लाइव जो है वो उस टाइम पर उसकी जो लोकेशन और उसकी जो लाइव मतलब कि बताना होगा वो बता लग जाएगा कि अगर जहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उन पर नज़र रखी जाएगी। और परीक्षाओं के दौरान की फुटेज सुरक्षित रखी जाएगी ताकि परीक्षा के बाद बोर्ड इसे ले सके, ओके। बोर्ड सचिव ने कहा कि किसी कर्मचारी का पुत्र पुत्री कोई भी इंसान जो है वो परीक्षा दे रहा है और उस अवस्था में विद्यालय किसी भी वरिष्ठ प्रवक्ता को केंद्र अधीक्षक की ड्यूटी पर नियुक्त किया जाना है, मतलब कि कोई किसी की जगह पेपर देने आएगा तो उसका भी थोड़ा सा इन लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और परीक्षा के दौरान केंद्र अधीक्षक अपना परीक्षा केंद्र ना छोड़ें। तो काफ़ी सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो टीचर्स के लिए ले दी गई हैं, बता दी गई हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार इतना ज़्यादा ये लोग स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो इसका असर होता है या नहीं होता है, मतलब एग्ज़ाम्स अच्छे से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। अदरवाइज़ पहले पेपर में ही पेपर लीक हो गया, चीटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ कि न्यूज़ें जो हैं वो भर भर के बिल्कुल आ जाती हैं। तो अभी देखने वाली बात होगी। आप लोगों का इस पर क्या कहना है मुझे ज़रूर शेयर करना, ठीक है। आप लोगों के स्कूल में या आप लोगों के टीचर्स ने आप लोगों को इस रिगार्डिंग कुछ बताया नहीं बताया, ओके। और एक चीज़ जैसे हो भी रही है, जैसे कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर इस तरफ जो है वो QR कोड होगा। अब बच्चे जो हैं वो ये कई दिमागी लगाते हैं कि मैम हम QR कोड छुपा के ब्लर करके फ़ोटो को ले लेंगे, तो जो QR कोड है ना वो बिल्कुल यहाँ कॉर्नर में नहीं होगा, QR कोड यूँ करके छपा भी हो सकता है, ठीक है, आपकी शीट के ऊपर, ताकि आपके सारे क्वेश्चन उसके अंदर कवर हों। तो जैसे कई बार आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके पीछे उनका लोगो आ रहा होता है तो ताकि आप वो पेज जो है अगर पूरा कॉपी करते हैं तो वो लोगो उसमें थोड़ा बहुत झलक दिखे या फिर उसमें लोगों नज़र आए। तो इसी तरीके से इन लोगों ने थोड़ी सी तैयारियां की हैं। तो आप लोग चालाक हैं लेकिन बोर्ड भी इतना ज़्यादा नालायक नहीं है, वो भी थोड़ा चालाक है। स्टिल देखना जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो देखने में मज़ा काफ़ी आएगा। आप लोग अपना ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है, कि आप लोग कहाँ से सहमत हैं इन चीज़ों से, और चीटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, QR कोड लगा के अच्छा करा है नहीं करा है, और आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब चीटिंग करने की तैयारी में बैठे हुए हो या मेहनत पर बैठे हुए हो, ठीक है। क्योंकि मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स आएंगे ही, और चीटिंग करोगे, रट्टा लगाओगे तो वो चीज़ एक बार को धोखा दे जाती है ना। तो प्रिपरेशन करते रहिए, और जो फर्स्ट एग्ज़ाम लोग आप लोगों का होगा उसके लिए जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगी ताकि आप लोग परेशान ना हो, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।